जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, Realme वापस आ चुका है अपने दो नए बेकार 5G स्मार्टफोन्स के साथ, Realme Narzo 55G और Realme Narzo 50 Pro 5G। पता नहीं क्या सोच के इनको लॉन्च किया, क्योंकि इनका जरूरत नहीं था। चलो उनके बारे में सब बताता हूँ कि ये क्यों बेकार स्मार्टफोन्स हैं और आपको क्यों इन दोनों स्मार्टफोन से दूर रहना चाहिए। Realme Narzo 50 से शुरुआत करते हैं। अच्छा बात नहीं है। यहाँ पर आपको 6.6 इंच का एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है। ये मैं बता रहा हूँ, रियलमी कहीं पर ऑफिशियली कहा नहीं है। 400 का बीपीआई मिल जाएगा, वाटरडॉप नॉच है, चिन्ह है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज में एकदम फालतू स्पेक्स देता है। इसी की जगह पे इससे कम प्राइस पे ये 16,000 रुपए पे लॉन्च हुआ है ना, 15,000 रुपए में पोको M4 Pro 5G पंचोल के साथ आता है और वहां पर बहुत अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बताओ यार, क्या यार रियलमी तुम ऐसा काम क्यों करते हो यार? थोड़ा सा कॉम्पिटिशन को देख लिया करो एंड उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन को रखा करो। और वैसे भी ये जो फोन है ये ओप्पो का है, ओप्पो A57 5G को रियलमी रिब्रांड करके रियलमी Narzo 50 5G नाम से लॉन्च कर दिया। बताओ यार, Realme Oppo OnePlus भाई कुछ भी। कैमरास के बारे में अगर आपको मैं बता दूंगा ना, आप पहले दो थप्पड़ मेरे मारेंगे फिर दो अपने मारेंगे। आप समझ रहे हैं आपसे कितनी गंभीर बात करने वाला हूं? आप पक्का यही करोगे, क्योंकि Realme के अंदर बताने तक कदम नहीं है कि वो कितने कैमरास दिया है। नाम का डुअल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, अगला कैमरा बताया ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर कह दिया। भाई 2 मेगापिक्सल है कि उससे कम है, बताने का दम तो रखो यार। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है, वाह भाई वाह। वाटरडॉप नॉच दिए, 16 का सेल्फी तक नहीं दे पा रहे थे। कुछ स्पेशल नहीं करना है, सब काम चलाओ करना है। अरे यार, पोको M4 Pro 5G में 50+8 मेगापिक्सल का ऑसम डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। अगर बंदे को रियल लाइफ में दो अच्छे सेंसर्स मिल गए ना, उसकी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। 50+8 इतने अच्छे कैमरास हो गए ना कि अल्ट्रा वाइड शॉट, वाइड शॉट्स लेके दिल खुश हो जाता है, ठीक है? और आप भैया कितने अच्छे डुअल कैमरा सेटअप दियो। वाह वाह बेटा वाह। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाएगा, UFS 2.1 का चॉइस सपोर्ट, LPDDR4 XM टाइप, 5000mAh बैटरी, 33 वाट का चार्जर, और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में आपको चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, चार्जर बॉक्स के अंदर आएगा, टेंशन मत लो। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 3.0 पर रन करेगा, थैंक गॉड। नया हम लोगों को एंड्रॉइड वर्जन तो दे दिए, बहुत बड़ा मेहरबानी कर दिए। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं यहाँ पर और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 को सपोर्ट करता है। ये देख के मैं एकदम आश्चर्य हो गया, लेकिन लिखा हुआ है Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो बोल दिया मैं, ठीक है। बस यही है मेन स्पेसिफिकेशंस, और कुछ नहीं मिलते। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 810 मिल जाता है, जो एक 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। माली G57 MC2 का GPU मिल जाता है। देखो यारो, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे इजीली गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ पे स्मार्टफोन फास्ट वर्क करेगा। 7.5G बैंड्स भी मिल जाते हैं, बैंड्स थोड़े से कम लगे यहाँ पर, एटलीस्ट 12-13 बैंड्स तो होने चाहिए थे, क्योंकि अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, 2021 और 20 नहीं है, 2022 है। अब 5G नेटवर्क आने वाला है, तो ज्यादा 5G बैंड्स दो यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलो यार बात कर लेते हैं बड़े साहब के बारे में, यानी कि Realme Narzo 50 Pro 5G के बारे में। यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल मिल जाता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 180 हर्ट्ज का TSR मिल जाता है। अब जो लोग बोलेंगे कि सुफियान भाई यहाँ पर 365 हर्ट्ज का TSR है, भाई वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये रियल है। 411 का PPI है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन, DCI-P3 कलर गैमेट, पंचोल चिन रहेगा बहुत बड़ा वाला, बेजललेस डिस्प्ले कहेंगे नहीं। देखो यार, ये जो स्मार्टफोन है ना, ये लॉन्च हुआ है 22,000 रुपए का लॉन्च हुआ है, इसी वजह से ये स्मार्टफोन फालतू है। 21,000 रुपए में अपने को इससे अच्छा लाख अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है, Redmi Note 11 Pro Plus, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है, छोटे से पंचोल के साथ आता है, कंप्लीटली बेजललेस डिस्प्ले और कई अच्छे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस उसमें देखने को मिल जाते हैं, और वो सभी मामलों में Realme Narzo 50 Pro 5G से आगे है। तो अपन लोग इसको क्यों खरीदेंगे भाई? इसमें ऐसा क्या चीज दे रहा है Realme जो अपन लोग इसको जाके खरीदेंगे? Realme का ब्रांडिंग देख के क्या बढ़िया था गुरु। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास भी एकदम बेकार है। कैमरास के बारे में बता दूंगा तो आपका रिएक्शन पक्का यही रहेगा, आप वसीर बना दिए हो, चलो हाथ झंझरा जाता है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 16 का सेल्फी। भाई रियलमी थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने दाएं बाएं कॉम्पिटिशन को देखो, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस को जाके देखो, 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दे देगा वो, उसका कैमरा सेटअप एकदम फाड़ू है और कैमरास उसके इतने अच्छे की क्या बताऊं मैं। भाई थोड़ा सा मार्केटिंग टीम से जाके पूछो कि भाई क्या सोच के तुम लोग इसको ऐसे प्राइस पे लॉन्च करवाए हो, बताओ, थोड़ा सा जाके पूछो यार, प्लीज जाके चेक करो, गलत प्राइस रखे हो तुम। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ।
परफॉर्मेंस की बात कर ले तो ऐसा लग रहा है मेरे को ना सारा पैसा बचा के बस सारा प्रोसेसर पे ही फूंक दिया रियलमी। एक अच्छा बस प्रोसेसर अपने को मिल जाता है दोनों फोन्स में। यहाँ पर आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 920 मिल जाता है जो एक 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। माली G68 MC4 का GPU मिल जाता है और जानते हो यहाँ पर आपको 5 5G बैंड्स मिलते हैं। भाई एक काम करते ना, दो ही दे देते या फिर देते ही नहीं सही रहता। खाली नाम का खाली 5G बैंड अपने को डाल के दे दोगे भाई, ज्यादा दे दो यार, इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं तुम्हारे और इस साल के अंत तक 5G नेटवर्क भी आ जाएगा। क्या जरूरत इतने कम 5G बैंड देने का यार, कोई सेंस बनता है? 12-13 दे दिया करो समझे। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा, मस्त प्रोसेसर है। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 2.2 का शोई सपोर्ट, LPDDR4 XRAM टाइप, 5000mAh बैटरी, 33W का चार्जर, एंड्रॉइड 12, Realme UI 3.0, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, VC लिक्विड कूलिंग और यहाँ पर आपको बस इतने स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स बता दिया रहूंगा मैं बस और क्या। अब चलो यार बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। पहले फोन के डायनामिक्स बता देता हूँ। Realme Narzo 50 आता है 8.1 mm के थिकनेस के साथ, 190 ग्राम्स इसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन मोटा है और थोड़ा सा हल्का है, मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा सा हल्का, पता नहीं चलेगा अंदर माल मसाला भरोगे नहीं तो ये तो होगा। और जो Realme Narzo 50 Pro 5G है 7.99 mm के थिकनेस के साथ आता है, 181 ग्राम्स इसका वेट है, ये पतला और हल्का है। वही अगेन इसके अंदर माल मसाला कुछ ज्यादा है नहीं तो इसलिए पतला और हल्का है। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे Realme Narzo 50 5G को तो आपको देखा देखा सा लगेगा क्योंकि Oppo A57 5G है ये, Realme बाबू उसको रिब्रांड मार दिया है। देखने में अच्छा लगता है, नया लुक है, क्लासिक्स थोड़े से हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर में। क्लासिक्स बोले तो क्लासिक लुक, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लासिक वाला फील आता है, अच्छा लगता है देखने में। आगे से देखोगे तो एक एंटी लेवल के स्मार्टफोन का लुक दे देता है, वाटर ड्रॉप नॉच है, चिन है। बिल्ड वाइज देखोगे तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है। आगे कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्शन है रियलमी बताया नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है। वहीं अगर आप Realme Narzo 50 Pro 5G को देखोगे तो वही Realme का घिसा पीटा हुआ डिजाइन है जो आपको Realme के 10,000 रुपए के स्मार्टफोन से लेकर Realme के 25,000 रुपए तक के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ खास नहीं है, कोई रॉयलिटी नहीं है, वही पुराना घिसा पीटा हुआ लुक है। आगे से देखोगे तो वही पंचोल, वही बड़ा सा चिन, मजा नहीं आता देखने में। बिल्ड वाइज देखोगे तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम दे देता है। आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। बस यही है कहानी डिजाइन और बिल्ड वाइज की। अब चलो यार बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन्स आज इंडिया में लॉन्च हो गए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में 5GB वर्चुअल रैम भी मिल जाता है। Realme Narzo 50 5G से शुरुआत करते हैं जिसका बेस वेरिएंट है 4+64GB जिसका प्राइस है 16,000 रुपए, 4+128GB 17,000 रुपए और 8+128 है 18,000 रुपए। Realme Narzo 50 Pro 5G का बेस वेरिएंट है 6GB रैम, 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 22,000 रुपए, 8+128GB का प्राइस है 24,000 रुपीस, 24,000 रुपए। वैसे तो प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वैसे आपके क्या रिएक्शंस हैं प्राइस को लेकर, अपने रिएक्शंस और ओपिनियंस कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब रहा सवाल क्या वाकई में हम लोगों को इन दोनों में से किसी भी फोन को खरीदना चाहिए? नहीं, दोनों स्मार्टफोन्स फालतू हैं, दोनों स्मार्टफोन से दूर रहो। Realme Narzo 50 5G को खरीदने का सोच रहे थे तो उसको छोड़ो, Poco F4 Pro 5G को खरीदो, कम प्राइस पे मिलेगा और अच्छे वैल्यू दे देता है आपको। Realme Narzo 50 Pro 5G को खरीदने का सोच रहे थे तो भूल जाओ, Redmi Note 11 Pro Plus को जाके खरीदो, वो लाख अच्छे स्पेसिफिकेशन देता है, बढ़िया लुक्स के साथ आता है, बढ़िया स्पेक्स देता है, बढ़िया कैमरास है, सब कुछ बढ़िया है वहां पर, कॉम्पिटिशन भी नहीं है Realme Narzo 50 Pro 5G का Redmi Note 11 Pro Plus के सामने। तो भैया जाओ अच्छे फोन्स खरीदो, इनके चक्कर में मत पड़ो। दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.